नमस्कार, मैं देवेंद्र मालवीय सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों अलक्षणिक बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित हैं। इनके जुहू में 3 बंगले हैं, 18 कमरे हैं, एक छोटा मोटा आईसीयू भी है और 2 डॉक्टर 24 घंटे घर पर रहते हैं। ये बड़े आराम से अपने ही घर पर क्वारंटाइन हो सकते हैं, जैसा कि अलक्षणिक मरीजों के लिए प्रस्तावित है। नानावती अस्पताल बहुत ही महंगा अस्पताल है, जिसमें इलाज करवाना किसी आम आदमी के बस में नहीं होता है। एक एक रोगी से 10 लाख से 15 लाख रुपए का बिल लेना सामान्य बात है। पता नहीं क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार के कोरोना होने को स्वांग रचाना, अच्छी पटकथा लिखना बोल रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब एक प्रोपोगंडा है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें देश की मीडिया दिखा रहा है और सारा देश अमिताभ बच्चन के लिए दुआ कर रहा है। हम भी उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह के एक कोरोना मरीज दिल्ली के जितेंद्र सिंह उर्फ संटी, जो उनके बेटे जिन्होंने 265 कोरोना मरीजों की लाशों को जिनके परिवार वाले छोड़कर चले गए थे का अंतिम संस्कार किया और खुद अपने परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक सवाल दिमाग में आता है, अमिताभ बच्चन ने कोरोना के लिए घंटी बजाना, थाली पीटना और दिए जलाने के अलावा क्या किया जो संटी ने करके दिखाया है? और सिर्फ संटी ही नहीं, देश में अभी तक 93 डॉक्टर कोरोना योद्धा बनकर शहीद हो चुके हैं और भी कई लोग हैं जो कोरोना में के युद्ध में शहीद हुए हैं, उनको मीडिया कवरेज क्यों नहीं करता? कई जवान ड्यूटी पर शहीद हुए हैं, कई सफाई कर्मी, कई नर्सिंग स्टाफ, इन लोगों को क्यों नहीं याद किया जाता? इसको कहते हैं अमीर और गरीब का अंतर। एक सेलिब्रिटी पॉजिटिव हुआ तो दुख जता रहे हैं और कोई पड़ोसी पॉजिटिव होता है तो घृणा कर रहे होते हैं। देश में लाखों लोगों को संक्रमण हुआ है, लगभग 10 लाख की संख्या हो रही है। प्रार्थना करनी है तो सभी के लिए कीजिए, दुख जताना है तो सभी के लिए जताइए। धन्यवाद। जय हिंद।